जीवन आनंद रोता रमी इस राज ग्रंथ के माध्यम से सारा तात्विक दर्शन इस एक चरण में दर्शाते हैं। आनंदे रोता रहिए, कोई रोता क्यों? हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए रोता है। बहते हुए आंसू, हृदय की पीड़ा आंसुओं के माध्यम से प्रकट हो जाती है, लेकिन जब महापीड़ा होती है तो आंसू निकलते हैं, वो तो सुख जाया करते हैं। संसार में हर प्राणी रोता है किसी न किसी कारण से। पशु भी रोते हैं, संभव है अपनी वेदना को व्यक्त न कर पाते हैं। मनुष्य है जो वाणी से कह देते हैं। परम धाम के परमात्माओं के साथ महाराज की लीला चल रही है। ऐसी घड़ी आती है जिसमें प्रीतम अच्छी तो उनके सामने से उछल हो जाती है, उछल हो जाते हैं, आंखें नहीं देख पा रही है। राजी कार्य श्यामा जी के हृदय में विराजमान है, लेकिन जिस अक्षर की आत्मा जिसने श्री कृष्ण का तन धारण किया है उस तन का दर्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस तन में अब आवेश नहीं है। तो सखियों को लगता है कि हमारा प्रीतम कहां है। उनको देखने के लिए एक शर्त आती है, सबके मन में एक बात आती है कि सिकिट जी को ब्रज की लीला प्रिय थी, हम उस लीला का नाटक करें तो पुनः सामने आ जाएंगे। आप इसको जागनी ब्रह्मांड में चरितार्थ कीजिए। श्री देवचंद जी के तन से और मीराज के तन से अक्षरा की लीला करते हैं। उन तनों में लगभग यहां की मर्यादा के अनुसार 40 वर्ष की अवस्था में आकर विराजमान रहते हैं, लेकिन राजी तो पहले भी थे। हमको खेल दिखावन काज हमसो आगो आए श्री राज। जब राजी पहले आ गए हैं तो कहाँ रहते होंगे, कहीं ना कहीं तो रहते होंगे। देवचंद जी के धान हृदय में बैठे हैं, उनको कुछ पता नहीं, कभी बारात के पीछे पीछे भाग रहे हैं। वही अक्षरा थी सामने से पठान के देश में भी दर्शन देते हैं, वही अक्षरा थी चितवनी में दर्शन देती है, और वही अक्षरातीत श्याम जी के मंदिर में देवचंद जी को दर्शन देती है। वही अक्षरातीत जब आड़का मेला होती है तो सबको दिखते हैं, लेकिन देवचंद जी को नहीं दिखते आंखों से। उनके धाम हृदय में बैठ कर लीला कर रहे हैं, सब सुंदर सार देवचंद जी को अपना धाम धनी मान रहा है, और स्वयं देवचंद जी के अंदर बैठी हुई श्यामा जी की आत्मा को पता नहीं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये कैसी लीला है? जागने के प्रमाण में ऐसी हंसी की लीला हो गई कि देवचंद जी का तन छोड़कर वही अक्षरा थी मीराज के धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं। खुद मीराज को पता नहीं कि मेरे धाम में दुनिया अक्षरा थी बैठ कर चुके हैं, और वो हफ्ते में विरह में तड़प तड़प कर जब आपको अपने को विरह की भट्टी में कुंदन बना लेते हैं तो वही अक्षरा थी उनके सामने दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे धाम में जाएंगे विराजमान होकर लीला करूंगा। प्रश्न यह है कि क्या महाराज के धाम में देवे नहीं थे, महामती जी के तब भी थे, लेकिन एक पर्दा पड़ा हुआ है। सुंदर साहब देवता जी के उज्जवल होने के पश्चात समझा कि राजी परम धाम से ले जाएंगे। महाराज के उस तन के समाधित होते ही सुंदर साहब ने विरह में तन छोड़ दिया। बाणों ने क्या कहा है, इन गुनेगारों के दिल को अर्ज कर बैठे निर्वाण। सबकी आत्मा के साथ संबंध है, अटूट संबंध है। सागर कभी भी अपनी लहरों का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि लहरों के माध्यम से तो क्रीड़ा करेगा। चंद्रमा अपनी चांदनी का प्रत्याग नहीं कर सकता, अपनी शीतलता का प्रत्याग नहीं कर सकता। फूल अपनी सुगंध का कोमलता का प्रत्याग नहीं कर सकता। शक्कर अपनी मिठास का प्रत्याग नहीं कर सकती। तो एक अक्षरातीत जो स्वलीला अद्वैत है,
अपने अंगरूप आत्माओं को कैसे अलग कर सकता है, ये बात किसी को समझ में नहीं आती। हमारे और धनी के बीच में जो पर्दा है, वो पर्दा हमने स्वयं खड़ दिया है। हम दुखी होते हैं, दुखों के आंसू बहाते हैं, राजी से मन्नत मांगते हैं कि राजी आप ये कर दोगे तो हम आपका पाठ रख देंगे, आपका हम ये करवा देंगे। कितनी बड़ी नसीब है, आप पाठ किसके लिए रखने जा रहे हैं, किसके लिए किसके आगे गिर गिरा रहे हैं। कभी किसी ने अपने आत्मिक स्वरूप को समझाया है कि हम किससे मांग रहे हैं। अप्रतीत कोई हनुमान जी का, हनुमान जी नहीं है, शंकर जी नहीं है, देवी नहीं है जो आपके नारियल को फोड़ने से एक मिठाई का पैकेट चढ़ा दे, मुझे खुश होकर आपकी ये इच्छाएं पूरी कर दें। हमने तो परम धाम के अद्वैत संबंध पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में तो शालिग्राम और शिवलिंग को ही परम मान लिया जाता है। कौन जानता है संसार में कि अक्षरातीत कौन है। हमें परम धाम की परम वाणी मिली है, लेकिन राह तो हमारी संसार की है, इसलिए अक्षरातीत के प्रेम का मूल्यांकन करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। इस एक चरण में बता दिया, आनंदे रोता रमिये ए, आनंद पूर्वक रोते हुए क्रीड़ा करो। क्रीड़ा करनी है किस लिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने ये क्रीड़ा की, उसकी हम नकल करेंगे तो हमारे बीच हमारे प्रीतम आ जाएंगे। मैंने कहा समान रूप से जब दुखी हृदय होता है तभी तो रोता है। हृदय रो रहा है लेकिन ऊपर से मुस्कुराहट है दिखाने के लिए कि नहीं प्रीतम तुम्हारी क्रीड़ा का नाटक करने के लिए हम हंस रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप में जुदाई हो गई है, कहां महाराज की लीला चल रही है, और उसी बीच में वो लीला करने वाला उन्हें दिखाई पड़े, कितनी सखियां बेहोश होकर गिर जाती हैं कि हम तो प्रीतम के बिना जी नहीं सकते। काल माया में तो मरना होता है, योग माया में तो कोई मरेगा भी नहीं, वहां तो मृत्यु जा ही नहीं सकती। लेकिन सभी विरह की अवस्था में उनके लिए एक ही रास्ता है कि प्राणेश्वर सामने आए तो फिर लीला प्रकट हो। लीला प्रकट करने के लिए ये शर्त रख दी गई है कि उनकी लीला का नाटक करना पड़ेगा। एक घोड़े की आदत थी कि शांति से पानी पीता है, घुड़सवार उसको राहत के पास ले जाता है। पुराने जमाने में राहत हुआ करते थे, कुएं में लगा करता था, वो खटखट सुन करके पानी पीने से मना कर देता है। दोनों बातें, या तो पानी न पिए या खटखट से पहले, लेकिन पानी पीना है क्योंकि इसके बिना घोड़ा जी नहीं सकता, उसी में पानी पीना पड़ेगा। परम धाम की आत्माओं के लिए चुनौती है कि वे स्वयं को समझे कि वो क्या है। हमें से ऐसा कोई भी सुंदर साथ नहीं होगा जो दावे से कह सकता है कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। हर कोई रोना रोता है अपने दुख का। दुखी क्यों है, हमने संसार की स्थिति को नहीं जाना। उगते हुए सूरज को हम देखते हैं, दोपहर के तपते हुए सूरज को हम देखते हैं, तो याद रखिए जो दोपहर का तपता हुआ सूरज है कभी अस्ताचल को जाएगा, उसकी किरणें समाप्त हुई लगेंगे, भयानक रात्रि आ जाएगी, क्योंकि भयानक रात्रि के पश्चात ही सूर्य का पुनः उदय होना संभव है। इसलिए इस काल माया के ब्रह्मांड में हम ये सोचे कि हम पूर्ण रूप से सुखी हो जाए संसार की तरफ से नहीं हो सकते। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो, सबको दुखों से जूझना पड़ता है। लेकिन विवेकवान कौन है जिसने धैर्य का सिंहासन जमा लिया और दृष्ट होकर के देख रहा है, सूर्य उग रहा है, तप रहा है, दोपहर को शाम को ढल जा रहा है, घनघोर रात्रि आ रही है, पुनः सवेरा हो रहा है, ये जीवन मरण का चक्र चल रहा है, शिष्ट पैदा हो रही है, शिष्ट लय को प्राप्त हो रही है, धन आ रहा है, धन जा रहा है, ये सुख दुख के द्वंद बदल रहे हैं। हम धैर्य तो रखें कि हमारा प्राणेश्वर हमको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। कामया के ब्रह्मांड में तो दुख का आना जाना लगा रहेगा। हम रोते हैं अपने माया के सुख के लिए, राज्य के लिए नहीं रोते। राज की स्थिति भिन्न है, रात में सखियां बिलख रही हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे सामने आ जाए, हमारे से लीला करे, प्रेम करे। हम काल माया में कभी कभी राज्य के लिए थोड़ा सा बिलखते हैं, जब चितवनी करें कुछ विरह के आंसू आए तो उसमें लगता है कि नहीं केवल राज्य,
लेकिन लगता है जब राशि जी सामने आ जाए तो 90% सुंदर प्रात ये मांगेंगे, संसार मांगेंगे। अपने पुराणों की कहानियां सुनी, जो तपस्या करते थे उनके सामने विष्णु आते हैं, नारायण आते हैं, शिव आते हैं, कोई क्या मांगता है? कोई चक्रवर्ती राज्य मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई विद्या मांगता है। आराधकों को नहीं मांगता कि हमारे हृदय मंदिर में बस जाओ। ब्रह्मात्माओं का जीवन क्या है? एकमात्र प्रियतम अचरति, और उन्हीं के साथ क्रिया करना चाहती, दर्शाना चाहती है कि प्रियतम हम आपसे अलग नहीं। राजी प्रेम के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई दूरी नहीं है। पर्दा तो ही गलत है, अंतर न आरंभ। पर्दा हमने बनाया है, ये शरीर का पर्दा, ये शरीर की इंद्रियां, शरीर का अंतःकरण। जीव ने अंतःकरण इंद्रियों को शरीर के माध्यम से धारण कर रखा है। हमारे मन को जो अच्छा लगता है उसको सुख मान लेते हैं, जो मन को अच्छा नहीं लगता उसको हम दुख मान लेते हैं, या भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा के हृदय में जो विराजमान है वो कोई और है, जो हमारे चाहने न चाहने से हमें छोड़ नहीं सकता है। वो खुद भी छोड़ना चाहे वो सर्वशक्तिमान कहलाता है, लेकिन उसकी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमको छोड़ सके। लेकिन क्या विश्वास हमको होता है कि हमारे और धनी के बीच में कोई दूरी नहीं है? राजी बार बार वाणी में भले ही कितनी बार कह दें कि हक नजीक से रख से, हम भी पढ़ते हैं लेकिन सोचते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। यदि राजी सचमुच हमारे प्राण की नली से निकट है तो हमारे सामने क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि हमने स्वयं को नहीं जाना है। जैसे देवचंद जी के तन में श्यामा जी की आत्मा है, श्यामा जी स्वयं को नहीं जान पा रही है। राजी ने बता दिया है कि तुम श्यामा जी हो, उनके तन से लीला भी हो रही है, लेकिन 1735 से पहले श्यामा जी के ऊपर खुद फरामोश है। वो दूसरों से सिफारिश करवाती है कि राजी से कहो कि राजी आप मेरे तन से पहले जागनी क्यों नहीं करवाते, महाराज के तन से क्यों करवाना चाहते? महाराज के तन में आकर बैठ गई, द्रौपदी की आत्म पर फरामोशी है 1715 तक। 1712 से 15 के बीच में उनके धाम में जन्मे बैठे होते हैं, उनके ऊपर भी आवरण है। तो हम सुंदरता तो छठे दिन के लीला में हैं, लेकिन उनके लिए क्षमा है, हमारे लिए क्षमा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वाणी उतर चुकी है। वाणी हमें दर्शा रही है कि आने वाले समय में छठे दिन की लीला में कोई सुंदरता तो ये भूल न करें जो अतीत में हो चुकी है, जो ब्रज में हो चुकी, जो राज में हो चुकी, और जो जागने के ब्रह्मांड में पांचवें दिन की लीला में हो चुकी है। ऐसे जब तक हम इस रहस्य को नहीं जानेंगे कि आनंदे रोता रमिए एम जने कहिए ते लक्षण प्रेम, प्रेम का लक्षण क्या है? कलश में प्रेम का लक्षण बताया है, इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक न दे। प्रेम का लक्षण क्या है? हमारे नेत्रों की पलकें कभी भी बंद ना हो, एक तक राजी को देखते रहे। कबीरदास जी ने बहुत ऊंची बात कही है, नैनों की कलकुटरी उतली पलंग बिछाए, नैनों की चिकदार के ये कुलिया बिछाए। ये देखिए नैन बाहर, ये पुतलियां हैं, ये पलकें हैं, और बीच में एक काला घेरा है उसको कहते हैं पुतली। पुतली के बीच में होता है तारा। नैनों की कल कोठरी यानी ये है काला घेरा, पुतली पलंग बिछा, जो नेत्र की जो पुतली है उसको पलंग बिछाने, और बाहर की पलकों को मैं बंद कर लूं ताकि कोई और दिखे नहीं, केवल वही दिखता रहे। कहने का भाव क्या है? इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक में ले, हमारी आत्मा के चक्षु एक तक प्रीतम को देखते रहे, उसको कहते हैं प्रेम। परम धाम में ये महाराज के अंदर प्रेम की लीला चल रही है, और अचानक प्रेम करने वाला अदृश्य हो जाए तो कौन शरीर को रखना चाहेगा? एक भालू के सामने संगीत बज रहा हो, एक सर्प के सामने मधुर संगीत बज रहा हो, और वो संगीत अचानक बंद हो जाए तो उसको कितना बुरा लगता है? फिर वो तो प्रीतम अक्षराती कि मधुर लीला है, उस मधुर लीला के बीच में व्यवधान पड़े तो
परम उनके अंग रूपा आत्माएं कैसे सहन कर सकती है? ये लीला क्यों दर्शाई जा रही है? इस चौपाई के कथन का से क्या है? हम समझे स्वयं को कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है और हमारा स्वरूप क्या है। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक कर्तव्य का भी बोध नहीं होगा, और जब तक कर्तव्य का बोध नहीं होगा तब तक हम अपना अधिकार भी नहीं जानेंगे, और कर्तव्य और अधिकार के जाने बिना हमारे लिए जागने का मार्ग भी प्रशस्त नहीं हो सकता। इस जागनी लीला में, चाहे ब्रज की हो, चाहे रास की हो, चाहे जागनी लीला में, जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता, और जो कर्तव्य पूरा नहीं करेगा उसको अधिकार भी नहीं मिलेगा। जिसको अधिकार नहीं मिलेगा उसको जागने का सुख, प्रीतम का सुख भी नहीं मिलना। और देखा जाए तो छठे दिन की लीला में भी सुंदरता तीनों में काफी हद तक दूर है। स्वरूप का जो बोध है वो केवल कहने के लिए है कि हम परमधाम की आत्मा है, पूर्ण बोध नहीं है, ये भी बोध नहीं है, दृढ़ता भी नहीं है कि प्रीतम की सर्वशक्ति मान्यता पर वहां प्रश्न खड़ा हो जाएगा जिस दिन वह हमें अलग कर देंगे। अलग करने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि वो कहलाते हैं सच्चित आनंद। सत्य वह है जो अनादि काल की जैसा था अनंत काल तक वह रहे। अनादि काल से जो प्रब्रह्म अपनी आत्माओं को अलग नहीं कर सका उसकी क्या समर्थ है कि हमको अलग कर दे। बुरी हमने बनाई है ना, हम बजट बनाते हैं, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। इसका मतलब कि हम तो पराये थे, अद्वैत पर प्रश्न हमने खड़ा किया है, अक्षरातीत के प्रेम को कलंकित हम कर रहे हैं कि अक्षरातीत कोई देवी देवता है हमको अपना बना लेते हैं। नहीं, चंद्रमा तभी तक है जब तक उसके अंदर शीतलता है, जब तक उसके अंदर चांदनी है। सागर तभी तक है जब तक उसकी लहरें हैं, लहरों से तो किरण कर रहा है तब तो सागर कहलाएगा, नहीं तो झील कहलाएगा। ब्रज में भी वो साथ में है कोई नहीं पहचान पाए, रात में भी साथ है कोई नहीं पहचान पाए, जागने में भी सबके धाम हृदय में, लेकिन कौन पहचानता है। इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश, हमारी आत्मा के धाम हृदय में है, लेकिन क्या हमारे अंदर वो भाव आता है कि हमारे सामने प्रीतम अतीत है, हमारी आत्मा एक तक उनको देखे। हम आरी आंखें तो संसार के दृश्यों को देख रही है, संसार के संबंधों को अपना संबंध मान रही है, मूल संबंध से, मूल स्वरूप से, उस अधिकार से, उस प्रेम से कौन प्रेम करता है। और जिस दिन हमारे हम करना शुरू कर देंगे उसकी भी सामर्थ्य नहीं है कि हमसे पल भर भी अलग रहे। लेकिन दास के कथन के द्वारा हमें विशेष शिक्षा दी जा रही है कि आनंद में रोते हुए क्रीड़ा करो, रामते करो, हंसो, केवल यह दर्शाने के लिए कि कृष्ण हम तुमको पाने के लिए सब कुछ करते हैं। देखो हम दुखी नहीं है, हम तो हंस रहे हैं क्योंकि तुम्हारा अभिनय करने के लिए हमें हंसना पड़ेगा। ब्रज लीला में श्री कृष्ण कहीं मक्खन की चोरी करते हैं, हंस के खिलखिलाते हैं, विराम में रहा नहीं जा रहा, लेकिन हंसते हुए खिलखिलाना पड़ेगा। ये क्या दर्शाने के लिए कि हम वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं। प्रेम और मोह में अंतर होता है, प्रेम अखंड है, मोह अखंड नहीं है। मोह संसारिक आकर्षणों पर निर्भर करता है, किसी की विद्या पर, किसी के धन पर, किसी के सौंदर्य पर, किसी के आचरण पर आकर्षण बन सकता है, वो आकर्षण टूट भी सकता है, उसको कहते हैं मोह। पति का पत्नी के प्रति आकर्षण हो सकता है, भाई भाई में आकर्षण हो सकता है, मित्र मित्र में आकर्षण हो सकता है, समाज के रिश्ते बनते भी करते रहते हैं, लेकिन जो अखंड आत्मा का परब्रह्म से प्रेम है वो अखंड है, क्योंकि उनके पास अद्वैत का प्रेम है, अनंत काल से चला आ रहा है, अनाद काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। आत्मा का आत्मा से जो प्रेम है अनादि काल से है, अनंत काल तक चलता रहेगा, इसमें कभी व्यवधान नहीं हो सकता। हमारा जन्म जब नहीं हुआ था हम किसी और के पुत्र थे, उनसे हमारा लगाव था, इस जन्म में हमारे कोई और माता पिता बन गए, अब इनसे लगाव हुआ। यदि मोक्ष नहीं मिला तो इस जन्म को छोड़कर, इस माता पिता को छोड़कर कहेंगे हम किसी और को पकड़ लेंगे, उनसे हमारा लगाव हो जाएगा। ये मोह है, इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम का तात्पर्य प्रेम में घृणा नहीं हो सकती, प्रेम में क्रोध नहीं हो सकता, प्रेम में लोभ नहीं हो सकता, प्रेम में स्वार्थ नहीं हो सकता,
प्रेम लुटाना जानता है, लुटना नहीं जानता। और सच यह है कि जो स्वयं को लुटा देता है वो सारा लूट लेता है, और जो थोड़ा सा लुटना चाहता है वो केवल मोह है, और सारा संसार इसी में चल रहा है। अब देखिए, एक ही परिवार में चार भाई होते हैं, साथ साथ खाते पीते बढ़ते हैं, जब विवाह हो जाते हैं तो चारों में झगड़े हो जाते हैं, बोल चाल बंद हो जाती है, चारों के चूल्हे अलग जलने लगते हैं। प्रेम नहीं था, मोह था। वाणी में चौपाई आती है, हत जात वाहिदत जो सो छोड़े ना एकोदम, प्यार करे माहू माही वास्ते प्यार कसम। आत्मिक प्रेम, दो परमहंस हैं, हजार किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, लेकिन दोनों में अटूट प्रेम रहेगा, क्योंकि दोनों आत्मिक संबंध को जानते हैं। परिवार में पति पत्नी दोनों हैं, एक कमो पूरा की तरह, एक कमो पश्चिम की तरह, जरा जरा सी बात पर लड़ेंगे। पति पत्नी में प्रेम नहीं, मोह है। हाँ, यदि वो दोनों के अंदर परम धाम की आत्मा है, दोनों राज्य के प्रेम में डूबे हैं, तो दोनों में आत्मा में स्वाभाविक प्रेम होगा। लेकिन संसार के रिश्तों में जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार के बंधन में है, उनमें प्रेम नहीं होता, उनमें मोह होता है। मोह माया जल है, जगत मोहात्मकम प्राहु अव्यक्ता व्यक्ति संगम। संसार मोहमयी है, इसे संसार के रिश्तों में मोह होता है, कोई इनमें बिगड़ा होता है। जो रजोगुण तमोगुण को छोड़कर सत्वगुण को भी छोड़ देगा, ध्यान में डूब जाएगा, प्रेम विवल हो जाएगा, उन रिश्तों में विशुद्ध आत्मिक प्रेम होगा। उसको संसार के स्नेह से, मोह से, लगाव से, आसक्ति से नहीं जोड़ा जा सकता। अब इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा धाम धनी हमें सिखापन दे रहे हैं कि हमें इस छठे दिन की लीला में क्या करना है। आप देखिए, ब्रज में श्री कृष्ण के रूप में राज्य का एक स्वरूप मोहक खड़ा है, सबको लगा हुआ है, क्योंकि वो आंखों से दिख रहा है। रात में भी उससे कई गुना, करोड़ों गुना सुंदर स्वरूप बनकर के वो स्वरूप सामने खड़ा है। प्रेम करना बहुत सरल है। जागने के ब्रह्मांड में वो स्वरूप दिख नहीं रहा है, लेकिन जागने के ब्रह्मांड एक और बात है। जैसे मैं दृष्टांत देता हूं, इंटर पढ़ने के बाद पहले किसी को क्लर्क की नौकरी मिल जाती थी, घर का खर्चा चल जाता था। ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ और अच्छी नौकरी मिल जाती थी, लेकिन जो आईएएस करना होता था किसी को, तो उसको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती थी। तीन स्तर है, क्लर्क बनिए, या ड्यूटी सीरियल का कर्मचारी बनिए, या आईएएस अधिकारी बनिए। उसी तरह से मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं। ब्रज रस और जागने की लीलाओं का सुख भी ऐसे ही कुछ कहा जा सकता है। ब्रज में सामने रूप दिख रहा है, प्रेम करना बहुत सरल है। यमुना तट पर गए, कृष्ण से प्रेम किया, क्या कठिन काम है। और ब्रज में कोई कष्ट नहीं हो रहा है, रस में न बुढ़ापे का कष्ट है, न मृत्यु का कष्ट है, न जन्म का कष्ट है, कोई कष्ट नहीं। सामने अर्थ सुंदर ब्रज के रूप से भी करोड़ गुना सुंदर रास का स्वरूप सामने दिख रहा है, तो उससे प्रेम करना क्या मुश्किल है, क्योंकि सबने तो तन छोड़ ही दिया है। कोई संसार का मोह का बंधन अब सामने नहीं दिख रहा है। जागने के ब्रह्मांड में सबसे कठिन काम है, लेकिन रास के भी सुंदर रूप से ज्यादा सुंदर रूप राज्य ने सागर श्रृंगार में वर्णित कर दिया है। और श्रृंगार में पहले कह दिया कि अब वक्त हुआ देखन का, देखो रूह के नहीं अंदर, श्रृंगार किया से बुल्ले बस्तर और भुखन। अब वक्त हुआ देखन का, देखो रूह के नहीं अंदर, ये किसके लिए वर्णित किया गया। संपूर्ण श्रृंगार के साथ सात बार राज्य ने नख से सिख तक अपना वर्णन किया। जो योग माया में रूप झलक रहा था, परम धाम के रूप के स्वरूप की सुंदरता की समझ वो कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, कुछ चार घंटे पढ़ाई करें तो इंटर आसानी से पास हो जाएगा, आठ घंटे छह घंटे पढ़ने वाला ग्रेजुएशन कर लेगा, लेकिन यदि ऊंचे स्तर पर पहुंचना है तो उसको तो 15-16 घंटे 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब तो उस पद पर पहुंचेगा। बस जागली ब्रह्मांड में ये समस्या है। सागर श्रृंगार में यदि हमने डुबकी लगा ली,
कि प्रीतम की शोभा क्या है, खिलवत के मूल संबंध को जान लिया कि यदि चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ सकता तो राखी भी चाहे ब्रज हो राज हो जागनी हो कभी भी हमको छोड़ने वाले नहीं है। इस जागनी के खेल में इंद्रावती जी अपने जीव को प्रबोधित देने के माध्यम से हमें प्रबोधित दे रही है। जीव को फटकारते हुए कह रही है कि मेरे जीव स्वागी रे तुम क्यों न करे पीसो पीछा। क्यों ऐसा क्यों कहा गया कि जब तक ये जीव इस तन को धारण किए है तब तक इसको प्रीतम की पहचान कर लेनी होगी। यदि इसने पहचान नहीं किया तो आत्मा गर्भ में नहीं जानने वाली है, गर्भ में तो ये बेचारा जीव जाएगा, आत्मा पुनः उस जीव को छोड़कर किसी और जीव को पकड़ लेगी। आत्मा दृष्टा है, आत्मा को माँ के गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि परब्रह्म की अनाज नहीं सकती है, वो क्यों गर्भ में जाए। अब हमें इस जागने की लीला में एक एक क्षण का मूल्य समझना होगा कि प्रीतम अक्षरातीत ने हमारे लिए महामती जी के धाम हृदय में बैठकर अपने नर से सिंह तक का श्रृंगार वर्णन किया है कि देखो मेरे होठ कैसे हैं, मेरी ठुड्डी कैसी है, मेरे कान कैसे हैं, मेरा हृदय कमल कैसा है, मेरी अंगुलियों के नख कैसी हैं, चरण कमल की नलियां कैसी हैं। सारा वर्णन करने के बाद क्या दर्शा रहे हैं, धन धन तुम्हारे इमाम, धन धन तुम्हारी सहो, धन धन तुम्हारी अकले, भले जागे कर जाओ तुम्हारी जागृति को धन धन है। धन धन है यानी धन धन तो कहा है लेकिन ये व्यंग है, धन धन का अर्थ किया जाएगा धिक्कार, लेकिन अपने लाडले सुंदर साथ को धिक्कार शब्द क्यों कहेंगे, ये तो व्यंग में कह रहे हैं। धन धन तुम्हारे इमाम, धन धन तुम्हारे सहो, धन धन तुम्हारी अकले, भले जागे कर जाओ। तुम दावा कर रहे हो कि हम जागृत हो गए हैं लेकिन आपकी अंतरात्मा ने मुझे गलत स्वरूप की छत को नहीं देखा, संसार से मोह छोड़कर मुझसे प्रेम नहीं किया, अपनी धाम आत्मा के धाम जैसे अखंड समझ नहीं जाना तुम जागने कैसी। क्या सुंदर साथी खेल में माया माला का जप करने के लिए आए हैं, नारियल फोड़ने के लिए आए हैं, परिक्रमा करने के लिए आए हैं, घंटी घड़ियाल बजाने के लिए आए हैं, सारी ऊर्जा तो इसी पर लग रही है। सो लीला अद्वैत परमधाम के संबंध को कौन समझना चाहता है, और जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारी आत्मा की जागनी कैसे होगी। महामती जी के द्वारा अक्षरातीत ने हमें इस जागनी ब्रह्मांड में कैसे जीना है ये सिखा दिया है। यदि इस राज के इस प्रकरण को हम आत्मसात कर लें तो हमारे जीवन की धारा बदल जाएगी। आनंदे रोता रमिये एम जेने कहिए ते लक्षण प्रेम। प्रेम का लक्षण क्या है, रोते हुए आनंद में क्रीड़ा करो, कैसे संभव है। हंसते हुए तो खेला जा सकता है, रोते हुए कैसे मुस्कुराया जाए, और यही जीवन का सार है। एक चौपाई को यदि सागर माना जाए तो उसकी कुछ लहरों को ही गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण व्यक्त कर पाए हैं कि निष्काम कर्मयोग, इसको व्यक्त करने के लिए गीता के सैकड़ों श्लोकों में बोलने पड़े। यजुर्वेद का 40वां अध्याय इसी को व्यक्त करना चाहता है, कुर्वन एव कर्माणि जीवसि शास्त्रि समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहो क्योंकि तुम दृष्टा मात्र हो, स्वयं को इसमें लिप्त न करो, दृष्टा होकर के देखो कि हमारी आत्मा का प्रीतम हमारी आत्मा के धाम हृदय में रहता है। आनंदे रोता रमिये एम जेने तकहिए लक्षण प्रेम। जागनी ब्रह्मांड में राह कठिन है लेकिन बाद में परिणाम बहुत सुखदायी होने वाला है। जागनी ब्रह्मांड में जितने सुंदर साथ हैं, गरीबी से भी जूझ सकने वाले बहुत हैं, मृत्यु का कष्ट सबके सामने है, बुढ़ापे का कष्ट सबके सामने है, रोग से ग्रसित होने का कष्ट सबके सामने है, प्रियजनों से बिछोह का कष्ट सबके सामने है, इन सबके बीच में यदि हमने वाणी में गोता लगा लिया और उसके पश्चात ईमान पर खड़े होकर अपने हृदय में विरह की ऐसी रसधारा बहा दी कि उससे प्रेम का जो मधुर फूल खिला उस पर अक्षरातीत को आकर बैठना पड़े तो सबसे बड़ी बाजी मार ली जाएंगे। जो परम धाम में भी सुख नहीं था
वो सुख अप्राप्त हो सकता है। कैसे? सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठो इतने जो रू सुख रो जाए। ये खेल क्यों बनाए? राज्य के सुखों को देखने के लिए। पूर्ण पहचान के बाद यदि प्रेम करते हैं तो वास्तविक प्रेम होता है। संसार के प्राणी जब देखो तब रोते रहते हैं, करोड़पति भी रोएगा अरबपति भी रोएगा, कोई खुश नहीं है। अपने स्वरूप में स्थित कोई नहीं है। एक कल्पना कीजिए, राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है तो वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। जन्म भी वृक्ष के नीचे, बुद्धत्व प्राप्त भी वृक्ष के नीचे, मरण के समय भी वृक्ष के नीचे। यदि वो बुद्धत्व प्राप्त उन्हें नहीं होता, एक चकोटी सम्राट भी बन जाते और उनके साम्राज्य का एक प्रांत यदि उनसे कोई दूसरा राजा छीन लेता तो उनको क्रोध आता, वो सेना लेकर के उस पर हमला करते। लेकिन जिसने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है, उसके पैरों में खड़ाव नहीं, चप्पल नहीं, जूता नहीं, दिन में एक बार जो भिक्षा में मिल गया वो खा रहा है, ध्यान में बैठा हुआ है, तब की दोपहर हो, शीत की शीतल हवा के झोंके हो, उसको कौन विचलित करने वाला है? मृत के समय भी वो मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि दृष्टा भाव से देख रहा है, वो जीवन और मृत के रहस्य को समझ चुका है। जिसने इस रहस्य को समझ लिया उसको दुखी होने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि वो तो आत्मा के स्वरूप में विचरण कर रहा है, शरीर के रूप में भटक नहीं रहा है, संसार में भटक नहीं रहा है। शरीर और संसार तो एक दृश्य मात्र है और ये साधन है। इसी तरह से हमें इस संसार में जागनी लीला में अवसर मिला है कि हम अपने प्राणेश्वर को अपने धाम हृदय में इस तरह से बताएं कि उनके हृदय मंदिर में बैठकर उनके भेदों को जान सके जो अनादिकाल से परम धाम में रहते हुए भी जान नहीं सके। जब अभी पुरानी परंपरा में 4:30 बजे सुंदर साथ खड़े होकर के अर्जी पढ़ते हैं तो मुझे अंदर अंदर बहुत हंसी आती है। मैं परंपराओं को तो मैं रोक नहीं सकता कि अर्जी सुंदर साथ करें, चरणों में होकर खड़े पिया जी खेल को बस करो। आप किससे मांग रहे हैं? वाणी कहती है, एक दिन किने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन दई खबर। हमें अपना सारा ध्यान उसको पहचानने में, स्वयं को पहचानने में, अपने कर्तव्य को पूरा करने में और अपने अधिकार को जानने और उसको लेने में लगाना चाहिए। हाथ जोड़ करके जैसे दुनिया के लोग प्रार्थना करते हैं, मौलवी लोग खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, आप भी तो करते हैं। आप उसको शाम की नमाज कहते हैं, कौन सी बड़ी उपलब्धि आपने करी सागर सिंह दौर को पढ़ने के बाद? ये तो प्राइमरी की कक्षाएं हैं जो आम जनता को लगाया जाता है। आपका प्राणेश्वर आपके हृदय मंदिर में बसता है और आप उसे बिगड़ा रहे हैं, खेल को बस कीजिए। हाँ, आपके साथ जो खेल चल रहा है, आपके प्रेम का लक्षण क्या? तेरी रजा में मेरी रजा, तब तो आपका प्रेम है। देवचंद जी कितनी पापियां लिखवा देते हैं कि राजी मेरे तन से जागनी क्यों नहीं करवाई? राजी ने एक भी बात को नहीं सुना। हमारा प्रेम कब परिपक्व होगा? हम अपनी सारी खुशियां राजी पर छोड़ दें। जैसे सीता वन में जाती है, राम से कभी पूछती है कि मैं 14 साल रहना पड़ेगा, कोई भी साड़ी तो कितने साल चलेगी? आप कुछ यहाँ लेते चलिए, कुछ हीरे मोती लेते चले, वहां काम आएंगे। कभी सीता ने प्रश्न किया? हम सुंदर सा सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, राजी कब क्या करेंगे। जो कहता है रो मैं रह न सको, रो बिन रोहे रह न सके मुझ बिन, तो आप सोचिए, आप स्वयं को तो उस पर समर्पित होना सीखिए। जब हम उसके हाथों में अपनी हाथ की डोर नहीं दे सकते तो इसका तात्पर्य है कि हमें उस पर पूर्ण विश्वास नहीं है। वो जो करता है ठीक करता है, जो किया है ठीक किया है, कायद कराओ तुम ही करत कराओ तुम, और जो करने वाला है वो भी ठीक करने वाला है। हम तो चाहे सुख हो या दुख हो उसके इशारे पर मुस्कराना सीखे तो शायद उसको हम थोड़ा बहुत पहचान पाएंगे। हम अपने हृदय को जितना समर्पित कर सके उसके प्रेम में, वही हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और जिसने ऐसा कर लिया, इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि राजी मैंने आपके दिल में डूबकर आपके हृदय के सागरों को माप डाला है। परम धाम में इश्क में सभी डूबे थे लेकिन इश्क के सागर को कोई मापा नहीं था।
मैं माप्या हक दिल सागर, परम धाम में महामती जी को सौभाग्य नहीं मिला, श्यामा जी को भी नहीं मिला, किसी ने भी राज्य के दिल में डुबकी लगाकर राज्य के दिल की माप नहीं ली। ये जागनी ब्रह्मांड ऐसा है जिसमें कदम कदम पर हमें कांटे झेलने पड़ रहे हैं। हिमालय की बर्फ देखनी है तो ऊपर चोटी पर तो चढ़ना पड़ेगा, अब तराई में रहकर हिमालय की बर्फ कहाँ देख पाएंगे, कुछ कष्ट तो उठाना पड़ेगा। इसलिए इस जागनी के ब्रह्मांड में यदि हमें जागनी लीला का वास्तविक सुख लेना है तो आनंदे रोता रंगे जेने कहते लक्षण प्रेम। प्रेम का लक्षण क्या है? आनंद में रोते हुए रामते कीजिए। रामते करने का तात्पर्य क्या है? ये तो रामतो का प्रसंग है, लेकिन भाव यह है इस जागनी लीला में कि हर स्थिति में हम स्वयं को राज्य के प्रति समर्पित करें। लेकिन समर्पण का अर्थ ये नहीं, हम क्या सोच लेते हैं, हमने तो सब कुछ राज्य को सौंप दिया है, राज्य जब चाहेंगे तब दर्शन दे देंगे, हमें चितवन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये नहीं, ये तो अलग से वाद है, पलायनवाद है। आप अधिकार लेना सीखिए। बच्चा जब रोता है तो माँ दूध पिलाती है। आपका जीव आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप संसार के कोमल बिस्तरों पर सोने में सुख महसूस करते हैं, गर्मी में आप इसी लगाना पसंद करते हैं, अच्छे व्यंजन खाना पसंद करते हैं, तो आपको चितनी पसंद क्यों नहीं? वाणी का चिंतन आपको पसंद क्यों नहीं? ये तो करना ही पड़ेगा। जीव पुरुषार्थ करेगा, धनी की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा, तो निश्चित है कि वो एक कदम चलेगा राजी हजार कदम आएंगे, और उनको आने की आवश्यकता नहीं है। जितनी सूक्ष्मता की कल्पना कर सकते हैं राजी उससे भी निकट हमारे पास है। बस एक पर्दा है, वैसे ही पर्दा जैसे हिमालय पर्वत के सामने आप खड़े हो जाइए और अपनी आंखों पर कागज का टुकड़ा रख लीजिए और कहिए कि हिमालय तो है ही नहीं, हिमालय तो है, उस कागज के पर्दे को तो हटाइए, तब तो सामने हिमालय दिखेगा। बस इतना है। जागनी ब्रह्मांड में हमसे यही सबसे बड़ी भूल हो रही है। हम राज्य को कहाँ खोजते हैं सबको मालूम है। हम सुंदर सा मंदिर बना देते हैं, वाणी पतराते हैं, ये करना चाहिए, वाणी राज्य का ज्ञानमय स्वरूप है। लेकिन आप जब मंदिर में मत्था टेकेंगे आंखें बंद करके फिर कहाँ खोजेंगे? आपने तो आंखें बंद कर ली, जो सिंहासन पर आपने युगल जोड़ी बना रही हो वो तो दिख नहीं रही, फिर आपको आंखें बंद करके हृदय मंदिर में ही आना पड़ेगा। मंदिर श्रद्धा का केंद्र है, सबको एकत्रित करने का एक बहाना होता है, उसी बहाने लोग आते हैं, क्योंकि सभी अध्यात्म के उस गहन तत्व तक नहीं पहुंच सकते। वाणी में राज्य बार बार यही संकेत कर रहे हैं कि अर्थ तुम्हारा मेरा दिल है, पिताल करो आराम। अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को पुकारिए कि मम प्राणेश मम हृदय अगच्छ, मेरे प्राणेश्वर मेरे हृदय मंदिर में आइए। और जिस दिन हम अधिकार समझ लेंगे कि मेरे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य प्रीतम को पाना, इस शरीर के छूटने से पहले तो बाद की बात है, हमारा शरीर जब तक स्वस्थ अवस्था में रहता है मेरे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है कि उसको सामने करूं, उसकी शोभा को देखूं, उसकी बातें सुनूं, मैं अपनी बातें कहूं, उसके हृदय में डूबकर उसके सारे रहस्यों को जानूं, ये मेरा नैतिक अधिकार है, जन्मजात अधिकार है, अनादिकाल से अधिकार था है और रहेगा। इसमें किसी भी तरह की हीन भावना को न आने दें, लेकिन पहले संबंध की पहचान, अपने स्वरूप का रूप, और तब उस जीवन शैली को अपनाना कि आनंदे रोता रमिये जेने कहते लक्षण प्रेम। प्रेम का लक्षण है कि रोते हुए भी आनंद पूर्वक क्रीड़ा करें। इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें अनेक पड़ाव देखने को मिलते हैं। परिवार में कोई ना कोई कष्ट का समय बना ही रहता है, किसी का शरीर अस्वस्थ है, किसी को अर्थ की समस्या है, किसी को कुछ समस्या है, हर कोई अपने दुख का रोना रोता रहता है। अब देखें तो सचमुच में कष्ट ही कष्ट है। आत्मदृष्टि खोल करके देखें तो ये क्या है, संसार से पड़ा हो ये, इसको कोई न रोक सका था न कभी रोक सकेगा,
क्योंकि जितने अवतार हुए उन्होंने सबसे ज्यादा कष्ट है। आप श्री कृष्ण जी की लीला को देखिए, जिस दिन जन्म होता है उस दिन ही उनको गोकुल पहुंचाना होता है, कुछ ही दिनों के बाद पुतना आ जाती है, बकासुर अघासुर कितने राक्षसों से 11 साल 12 दिन की लीला में भी हर समय कष्ट ही कष्ट आते रहते हैं, लेकिन वो स्वरूप मुस्कुरा रहा है क्योंकि उस समय कौन बैठा है, आवेश स्वरूप बैठे हैं। हम भी तो सोचो कि जो चिकित्सक के तन में बैठा था हमारी आत्मा के धाम हृदय में भी है, और इस जागने की लीला में वो पल पल आनंद देने के लिए, यदि हम आनंद लेने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो हमें देने के लिए 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। तभी तो कहता है कि रूहो मेरे मेरे तुम्हारा अशुक, मैं लिखे इश्क के बोल, मासूक कर लिखे तुमको तो भी लिए ना तुमको, मैं आशिक हूं, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल। आशिक की परिभाषा क्या होती है, जिसके रोम रोम में उसका मासूक बसा होता है। हम तो आधे घंटे आंख बंद कर चितवनी कर लें, महेश सागर का पाठ कर लें, मंदिर में मत्था टेक लेते हैं तो क्या कहते हैं, हम राज्य के तो प्रेमी हैं। आप ये भूल जाते हैं, आप आधे घंटे एक घंटे याद करते हैं और आपका प्राणेश्वर आपको अनादि काल से चाहता आया है, अनंत काल तक चाहता रहेगा। एक पल भी न आपके मूल तन को अलग करता है, न आपके यहाँ के तन को अलग करता है। आप गहरी निद्रा में होते हैं तब भी वो आपको देख रहा होता है। उस प्रीतम के प्रेम को तो हम नहीं जानते हैं, अपने प्रेम का ढिंढोरा पीटते हैं हम, मजबूरी में तो उसको याद करते हैं। सच पूछा जाए तो हमें दुखों से बचना है, संसारिक सुख चाहिए। शादी विवाह होते हैं, लोग नाचते गाते पूजन क्यों करते हैं, क्योंकि विवाह शुभ होता है, इसलिए नहीं कि राशि को याद करना हमारा कर्तव्य है। विवाह शुभ हो जाए इसलिए राशि का पूजन करना जरूरी है। पाठ क्यों रखते हैं, कि हमारा कुछ माया का काम हो जाए। 5000 ही तो लगते हैं, कहीं 2100 में काम हो जाता है, 1100 में भी पाठ हो जाते हैं कि 1100 देख करके यदि 11 लाख मिल जाए तो 14 सस्ता है, ये व्यापार। और अब तो प्रसाद में भी व्यापार चलता है, 200 रुपये देंगे तो दूसरा प्रसाद, 100 रुपये देंगे तो अलग प्रसाद, 500 रुपये तो बढ़िया प्रसाद। परब्रह्म के दरबार में भी व्यापार, ये संसारी व्यापार का है, प्रेम व्यापार नहीं करता। प्रेम स्वयं को लुटाना जानता है, प्रेमास्तु चाहता है कि मेरा प्रेमी ही मेरे जीवन का आधार है। वो क्या चाहता है, वह उसी की खुशी है, सब कुछ खुशी है। यदि राज्य आपकी आत्मा के प्रेतम है तो क्या आपको दुखी देखेंगे। यदि हमारी इतनी आस्था हो जाए कि राज्य हमारे लिए सब कुछ है, उन्होंने जिस हाल में रखा है हमें खुश रहना है, यदि वो कहते हैं कि रोते ही मुस्कुराओ तो हम अंदर से रो रहे हैं, ऊपर से खिलखिला कर हंसेंगे कि राज्य हम बहुत खुश हैं। जैसे कि महाराज की लीला में इतनी श्रीरामत क्यों दी गई है, हमको जीवन शैली सिखाने के लिए, हमें जागनी ब्रह्मांड में कैसे रहना है। जागनी ब्रह्मांड में जो ये सुनहला अवसर मिला है, ये सुनहला अवसर अनादिकाल से लीला में कभी नहीं मिला था। 5वीं भूमिका की लीला में प्रतिदिन मार्फत की लीला होती है। मार्फत की लीला का तात्पर्य क्या होता है, सखियां समझे कि केवल राज्य है और राज्य समझे कि केवल सखी है। राज्य भी अपने को भूल जाए और केवल सखी को समझे, और हर ब्रह्मात्मा समझे कि केवल राज्य है, प्रेम का अद्वैत स्वरूप जिसमें केवल तू रह जाए। तू तू से प्रिय शब्द, तू से गहन शब्द आध्यात्मिक जगत में कोई नहीं। शिष्टाचार के लिए किसी को आप कहते हैं, तुम कहते हैं, लेकिन जहां तू शब्द आता है संस्कृत में इसको कहते हैं, बहुत मोहक शब्द है, उसका कोई भी अनुवाद आज तक संसार में कर नहीं पाया है। इस तू शब्द में कितना रहस्य छिपा हुआ है। ऐसे तो तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उस प्रेम की गहनता में डूबा रहता है तो एक ही बात निकल करके आती है
कि जो प्रेम शब्दातीत है, प्रेम तो शब्दातीत कहया, जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार इत दुनी पावे क्यों कर। हम जो कुछ कह सुन रहे हैं, मैं भी जितना मंच पर बोल रहा हूँ, ये शब्दों की परिधि में, वाणी के आधार पर राज्य की कृपा से दो शब्द में कह रहा हूँ। जो प्रेम की वास्तविक गति है, उसमें सब कुछ शांत हो जाएगा और उस प्रेम के सागर में जिसने गोता लगा लिया, मूल स्वरूप को पहचान कर, जैसे कि मैंने अभी कहा, पांचवी भूमिका की लीला में यह मत समझिए कि वहां शयन की लीला होती है, राजी कभी सोते नहीं। हाँ, हम जरूर अपने बनाए हुए मंदिरों में राजी को सुलाते हैं। हृदय में जो राजी ने अपना मंदिर बना रखा है, हृदय मंदिर में हम नहीं देखते, अपने बनाए हुए मंदिर में जरूर हम देखते हैं, क्योंकि उसमें हमने माया का पैसा लगाया होता है, उस मंदिर पर हमारा कब्जा होता है, उस मंदिर में हमें पद मिले होते हैं, इसलिए तो मंदिर जाते हैं। सबका अपना हृदय मंदिर है, जिसमें अखंड रूप से प्रीतम वास करता है, उसमें कभी पर्दा नहीं लगा करता, उसमें कोई रोकने वाला नहीं होता कि नहीं अभी राजी सो रहे हैं आप नहीं। बाहर की आंखें बंद करके अंदर की आंखें जब भी खोलेंगे वो प्रीतम दिखाई पड़ता है। इसी तरह से परम धाम की उस पांचवी भूमिका में जो लीला होती है, राजी के लिए केवल ब्रह्मात्मा होती है और ब्रह्मात्मा के लिए राजी होती है। राज जी कहते हैं कि केवल तू है, ब्रह्मात्मा कहते हैं कि केवल तू है, दोनों एक ही स्वरूप है। इसको हम समझ जाए तो निश्चित रूप से हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। लेकिन जब ये बोध हो जाएगा तो हमें शरीर भी नहीं दिखना चाहिए, केवल बौद्धिक धरातल पर कर लिया कि हम तो साक्षात परम धाम की आत्मा है, हम राज्य है और हमें संसार के विषय खोजते परेशान करते रहे, हम भोजन के पीछे भागा करें कि मेरी ये तृष्णा है, धन की तृष्णा बनी रहे, प्रतिष्ठा की तृष्णा बनी रहे, तो इसका तात्पर्य है माया तो भी हमें दबा रही है। जब आंतरिक रूप से बोध हो जाए कि मेरा प्रीतम मेरा सर्वोच्च है, मेरे और धनी के बीच में संसार नहीं आ सकता, मेरी आत्मा उसी की है और मेरे और धनी का प्रेम अटूट है, हमारी आत्मा से न कभी वो अलग हुआ, न कभी है, न कभी होने वाला है। जब इस अधिकार के साथ हम उसको रिझाएंगे तो सारा परम धाम हमारी आत्मा के धाम में दिखेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा को धन देकर नहीं पाया जा सकता। सारे संसार का भी धन दे दीजिए, कठोर से कठोर साधनाएं भी कीजिए, कभी वो नहीं मिल सकता, अपना हृदय देना। योग दर्शन में भी एक सूत्र आता है कि समाज सिद्धि ईश्वर प्रविधाना, परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण। समर्पण का तात्पर्य क्या है? अपना नहीं सोचना। जिसने परमात्मा से प्रेम किया वो अपने बारे में क्यों सोचेगा, और जिसने अपने अपने जीवन की डोर उसके हाथों में सौंप दी, अपने हृदय का प्रेम उसको दे दिया, उसके हृदय में तो वो पहले से विराजमान है। क्योंकि प्रेम कहता है कि तुम एक कदम आओगी तो मैं हजार कदम आऊंगा, तुम चलोगी तो मैं दौड़ने लगूंगा। राजी हमसे इतना प्रेम करते हैं, रोम रोम में रंग लिया, तीव आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। इसने ऐसा किया कि कोई एक प्रेम के रंग में दोनों रंग गया। आशिक के रोम रोम में उसका मासूम बसता है, राजी के रोम रोम में आपका स्वरूप बसता है, ये तो आपको मालूम ही नहीं है। कई बार मुझे ये सब झंझट देखने पड़ते हैं, मेरे ऊपर कई बार आरोप लग जाता है कि देखो रानी स्वामी ने मंदिर में मत्था नहीं टेका। जो लोग ऐसे मिल जाते हैं, मैं उनको दिखाने के लिए मैं भी बार बार मत्था टेक देता हूँ, बेचारे खुश रहते हैं। लेकिन मुझे हंसी भी आती है कि हमने उसको क्या समझा है, वो मत्थे टेकने वाला देवता नहीं है, भगवान नहीं है, वो प्रेम का स्वरूप है, वो हृदय मांगता है। हमने मत्था टेक लिया, साष्टांग लेट गए, कान पकड़ लिया, राजी माफ कर दो, दो पद कर लिया, तो क्या वो मिल जाने वाला है? वो तो हंसता है हमारे इन कर्मकांडों को देख कर कि इन बेचारी परमधाम की आत्माओं ने मुझे तो समझा ही नहीं। जब तक हमारी आत्मा के धाम होते हैं ये भावना नहीं आएगी कि हमारा प्राणेश्वर ऐसा है
जिसके रोम रोम में हमारी परात्म की शोभा बसती है। हमारा ये तन तो है जीव का, ये हमारा असल तन नहीं है। हाँ जरूर कह दिया गया ये दो तन तले कदम के आत्म परात्म, हमारी ये आत्मा का तन है परात्म का तन मुड़ मिलाने धनी के चरणों में बैठा है। और हमारी आत्मा इस जीव पर बैठ कर खेल को देख रही है, लेकिन जीव ने अपने साथ चित्त में जन्म जन्मांतरों की वासना को ढो रखा है। काम क्रोध मत लोभ अहंकार इसको खाते रहे हैं। ये जीव लाखों जन्मों से अनेक योनियों में भटकता आ रहा है, उसका बोझ आत्मा को ढोना पड़ता है। लेकिन आत्मा ने जिस दिन अपने को विवेक सिद्धि कर ली, ये जान लिया कि मैं मिट्टी का पुतला नहीं हूं। जीवा को तो इच्छा हो रही है तो स्वादिष्ट भोजन मिले, आंखों को तो सुंदर रूप देखने की इच्छा हो रही है, कान तो मधुर ध्वन सुनना चाहते हैं, हमारे मन में तो तृष्णा है प्रतिष्ठा की। जब हमने सारे बंधनों को तोड़ दिया, आत्मा अपने विशुद्ध प्रेम में डूब गई, तो उसको प्राणेश्वर से कितनी दूरी रहेगी। यही बात सिखा रही है अपने राज ग्रंथ के अवलोकन में देखा है। राजिक प्रकट होते हैं, सारी लीलाएं हो जाती हैं। इंद्रावती कहती है कि राजी अब बहुत हो गया, अब मैं काल माया को छोड़कर योग माया में प्रवेश करने जा रही हूं। इंद्रावती ने कृष्ण का अभिनय किया और कहा कि देखिए आपकी ब्रज लीला की सारी नाटक लीला कर ली, 11 वर्ष 52 दिन पूरे हो गए, अब मैं आपका रूप धारण कर योग माया में प्रवेश करने जा रही हूं और मैं वहां से बांसुरी बजाने प्रारंभ कर रही हूं, आपको आना ही पड़ेगा। और जब इस अटूट धारणा के साथ इंद्रावती ने कृष्ण का अभिनय करके बांसुरी बजाई तो राज जी को उसी समय उस तन में अपना आवेश देना पड़ा, वो स्वरूप दृश्य मान लिया। इस लीला से दर्शाना चाहती हूं जागनी ब्रह्मांड में जब तक आपको अपने परार्थ के स्वरूप का बोध नहीं होगा कि हम शरीर नहीं है, हड्डी मांस के पुतले नहीं है, हम दर्दर के भिखारी नहीं है जो हाथ जो कभी मांगा करते हैं कि ये परमात्मा ये दे दो, ये परमात्मा ये दे दो। हमने उसे प्रेम का संबंध स्थापित नहीं किया, मूल संबंध को नहीं जाना, तो कैसे आए? जब तक इंद्रावती अपने को पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाई तब तक राशि नहीं आती है, लीलाएं चल रही है। जागने के प्रमाण में भी जब तक आप ये नहीं समझोगे हम हक में हक हमने और हक बिना सब ख्वाब, तब तक राज्य क्यों आएंगे? विरह में जब तक आप एक स्वरूप नहीं होंगे राज्य का दीदार भी कम होता है। एकरस होइए इश्क तो चले प्रेम रस को, फिर फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा की जो। एकरस, एकरस का तात्पर्य क्या है? ये दूरी मिटा दीजिए, आप भक्त मत बनिए, राज्य को भगवान मत बना दीजिए, उनको प्रभु मत बना दीजिए। जो दूरियां हैं आपके और धनी के बीच में सारी दूरियों को मिटा दीजिए, फिर प्रीतम आपके सामने है। इन्हीं दूरियों को मिटाने के लिए अपने दिल का भेद देने के लिए तो परम धाम की ब्रह्मवाणी उतरी है, और इस ब्रह्मवाणी को पाकर के भी यदि हमने दूरी भी बनाई खाई भी खोद दी दुनिया के भक्तों की हम नकल करने लगे तो राज्य हमें आत्मचक्षुओं से कैसे दर्शन देंगे? वही कह रही है तेना उदी गया सर्वे ने जमता गीता कई चैन। क्या कह रहे हैं? तेना उठी गया सर्वे नियम, सारे नियम समाप्त हो जाते हैं। नियम कहाँ होता है? विधि और निषेध इस माया की दुनिया में होता है, योग माया में नहीं होता, परम धाम में नहीं होता, योग माया में थोड़ा बहुत है। पुराण संहिता में एक प्रसंग आता है जब ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर और सदाशिव पांचों देवता योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचते हैं तो उनको ब्रजराज का मनोहर दृश्य दिखता है और जहां वो कृष्ण का रूप देखते हैं दंड मत्था टेकने लगते हैं। जैसे ही वो मत्था टेकते हैं वो लीला अदृश्य हो जाती है क्योंकि वो काल माया के ब्रह्मांड के हैं। योग माया में प्रेम की लीला है, प्रेम में द्वेष नहीं होता, और जहां दो होता है तो दर्शन कहाँ हो? यही कारण है प्रेम में दंडवत प्रणाम नहीं हुआ करता। और एक बात बताइए, अभी
अहमदाबाद में मैंने सुना है 16 करोड़ सात महामंत्र का जप होने का अनुष्ठान चल सकता है। राधा ने कृष्ण के कितने अनुष्ठान किए होंगे, कितने करोड़ मंत्र का जप किया होगा। कृष्ण तो चले गए मथुरा, फिर वहां से द्वारिका चले गए, राधा ने किसी महामंत्र का जप किया, मीरा ने भी किसी महामंत्र का जप किया, गोपियों ने किया, हफ्ते में क्या इंद्रावती जी ने किसी महामंत्र का जप किया। जो प्रेम का मार्ग है अपनी आत्मा के चक्षुओं को खोलकर देखना, अपना हृदय प्रीतम को देखना, जैसे हथेली पर आंवला रख करके दिया जाता है। दर्शन शास्त्र का एक सूत्र होता है, हस्त आमलक व हाथ पर रखे हुए आंवले के समान। वैसे तो प्रसंग गुस्सा है, लेकिन इसे हाथ पर रखकर किसी को आंवला दे दिया जाए, उसी तरह से अपना हृदय अपनी हथेली पर रखकर राशि को दे दीजिए। आपको सुख हो रहा है दुख हो रहा है ये आपका विषय नहीं है। राशि आपको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं आपका विषय नहीं है। आप केवल उससे प्रेम कीजिए, आप उससे ज्ञान न मांगिए, आप उसे संसार का वैभव न मांगिए, प्रीतम से प्रीतम को मांगिए कि हमारे हृदय मंदिर में आकर के विराजमान हो, मुझे देखो, मेरी आत्मा आपको देखे, अपनी अमृत वाणी सुनाओ और मेरी बातें सुनो। ये हमारा अधिकार था, है और अनंत काल तक रहेगा। जिसने अपने इस अधिकार को पहचान लिया, मूल संबंध को पहचान लिया और कर्तव्य को पहचान लिया, कर्तव्य क्या है, अपना हृदय देना। राजी ने अपना हृदय हमें दिया है, हमने नहीं दिया है, क्योंकि हम चतुर सुजान्त हैं। वो प्रेम का सागर है, उसको व्यापार करने नहीं आता है, व्यापार हम करते हैं। मासुके मोहे नीकी करी सु दिल दे गुच, कहे तू दे पर उत्तर जो मैं पूछ तू। प्रश्न ये है कि आदमी ब्रह्मांड में किसने अपना दिल दिया। मैं किसी स्वरूप पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन रू अल्लाह करी बंदगी आमे उनकी मैं तो गुनाह कहे इन पर जो मांग लिया हक पे। साक्षात श्यामा जी उनके जीव पर हंसी हो रही है, रू अल्लाह मांगा जितनी इलम जिद से कि मैंने आपकी बंदगी की है, मेरे तन से जागने क्यों नहीं करवा सकते, अपना दिल तो नहीं दिया। इंद्रावती जी ने विरह में तड़प तड़प कर राज्य को पाया। हफ्ते में दोनों स्थितियां भिन्न है, एक तन कह रहा है मेरे तन से जागनी कराओ, एक स्वरूप कह रहा है कि नहीं मुझे जागनी नहीं करनी है, मैं तुम बैठे तुम सहाय हो बैठे तुम, मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। छठे दिन की लीला में आपको सारे बंधनों से मुक्त कर दिया गया है, दोनों तनों से लीला करके दिखाई दी गई है कि छठे दिन के हाथ में तो दोनों हाथों में आपके लड्डू है, लेकिन सुंदर साथ को वाणी को आत्मसात करना होगा, उसको आचरण में लाना होगा कि वाणी क्या करती है। इसलिए वाणी को राज्य का ज्ञानमय स्वरूप बताया गया है। हम एक एक चौपाई के चरण में जाएंगे, डूबेंगे, ये अपने हृदय से पूछेंगे कि वाणी कह क्या रही है, वाणी के माध्यम से राज्य का ज्ञान हमसे बोल रहा है, तो ज्ञान आपको सत्य की राह दिखाएगा, उसको आचरण में लाएंगे तब पता चलेगा। हमें अपना हृदय राज्य को सौंप देना है, प्रेम में ऐसी कोई रात ना बीते जिसमें हमने अपने प्राणेश्वर को पुकारा ना हो, उसकी मनोहर छवि को अपने हृदय में देखा नहीं हो। यदि आप एक दिन टीवी के बिना रह नहीं पाते, चाय के बिना रह नहीं पाते, और आजकल तो सबसे प्रिय चीज मोबाइल हो गई है, उसके बिना सब भोजन के बिना रह जाएगा, मोबाइल के बिना आज का व्यक्ति रहना नहीं चाहता, फिर राज्य के बिना कैसे रह पा रहे हैं। इसका मतलब कि राज्य 10,000 के मोबाइल से भी गए गुजरे हैं। जब तक हमारे हृदय में सब लोग कहते हैं क्या करें, काम का इतना बोझ है कि चित्त होने के लिए समय नहीं मिलता, और सारे कामों के लिए समय मिलता है। आप सबको अपना हृदय दे सकते हैं, पत्नी के लिए हृदय आप देते हैं, पति के लिए देते हैं, बच्चों के लिए देते हैं, संगे संबंधियों के लिए आप तड़पते हैं, राज्य के लिए आंखें बंद करके घंटे दो घंटे एक घंटे नहीं कर सकते, आधे घंटे तो तड़पिए, सोने से पहले उसकी छवि बचा कर सो जाइए, सवेरे उठकर सारे संसार को भूल जाइए, कुछ देर तो उसको अपनी आत्मा की आंखों से निहारिए, फिर देखिए आपको लगेगा आपकी आत्मा के धाम हृदय में सारा परम धाम घूम रहा है, आपकी आत्मा के धाम हृदय में नग से सिख तक युगल स्वरूप विराजमान होकर के बैठे हुए।
ये दूरी मिटाने के लिए ही तो ये वाणी उतरी है, जो ब्रज में संभव नहीं था, रास में संभव नहीं था, श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में संभव नहीं था। धाम धनी ने आपको पांचवें दिन की लीला में ये अखंड निधि दे दी है, अपने हृदय का खजाना, अपने बस होने का तरीका भी बता दिया है। तभी तो इंद्रावती जी ने कहा है कि राज्य आप को मैं चाहती हूँ कि प्रेम तड़ा पिजड़ा में खाऊ, आपको प्रेम के पिजरे में बंद करके तोता बना कर रखूं, और स्वयं हूं ठों ताकने द्राख, मैं स्वयं अंगूर बन जाऊं ताकि आप मुझे खाते रहो। खाते रहो का तत्पर मेरा सर्वस्व आपका है, मेरा हृदय आपका है। जब ये भावना हो जाएगी, न मुझे सुख चाहिए न दुख चाहिए, सुख मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सम्मुख। जब ये भावना हो जाएगी, हम क्यों रोए, दुख में क्यों रोए, जिसने दुख दिया है उसकी जिम्मेदारी है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, सब लोग कह रहे हैं कि परमहंस आप एक बार भी तो परमात्मा से कह दीजिए। कहते हैं कि क्या परमात्मा अंधा है, क्या माँ अंधी है जो मैं कहने जाऊं। रामकृष्ण परमहंस अपने प्रेम में दाग नहीं लगाना चाहते, क्योंकि प्रेम तो देना जानता है, प्रेम स्वयं लौटा देना चाहता है, और परमात्मा से क्या मांगे। आप सुंदर जाते हैं तो बैजराजी में कुछ साड़ी ले जाते हैं, कुछ चूड़ियां ले जाते हैं, मन्नतें मांगते रहते हैं। प्रेम अक्षरातीत की अर्धांगिनी भीख मंगों की लाइन में खड़ी होकर के मन्नत मांग रही है। राजी क्या कहेंगे, मुझसे किसी को प्रेम नहीं है, संसार की आवश्यकताओं से ये मेरे पास जाइए तो फिर आपको क्या मिलेगा, संसार ही तो मिलेगा। अपने हृदय में उसको बसा लीजिए, ये संसार तो स्वप्नवत है। आपको चक्रवर्ती सम्राट भी बना दिया जाएगा तो फिर क्या होने वाला है, वो सम्राट कपट कितने दिनों तक रहेगा, ये पृथ्वी कितने दिनों तक रहेगी, वैकुंठ कितने दिनों तक रहेगा। इसलिए जागनी लीला में सबसे भाग्यशाली वह है जिसने अपनी आत्मा के धाम हृदय में उस प्राणेश्वर को बचाया, उसको देखा, उसके हृदय में डुबकी लगाकर उसका भेद जाना। और कहने के लिए तो राज की चौपाई है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी सिखापन दे रही है कि आनंद में रोते हुए क्रीड़ा कीजिए, संसार के दुखों से दुखी ना होइए, संसार के सुखों से सुखी ना होइए, सुख और दुख से परे अपने स्वरूप को देखिए। आप आनंद के सागर की वो अखंड लहर है जो कभी मिट नहीं सकती। आनंद का सागर है अक्षरातीत, आप उस आनंद के सागर की प्राणेश्वरी, वो आपका प्राणेश्वर है तो आप भी उसकी प्राणेश्वरी है। आप और उसके बीच में कोई भी विभाजक रेखा नहीं थी, माया ने खींच दिया है, इस माया को आप देखना बंद कर दीजिए। अब रमता की धार कई चहन, आनंद रोता रमिए, जिने कहिए ते लक्षण प्रेमी, तेना उड़ी गया सर्वे नेम, रमता की धा कई चैन।